प्ले की जाती है। मैं सारे बेनती करा कृपा अपने स्थान से खड़े हो जाओ। मैं बरजिंदर सिंह टौड़ा इस कॉलेज का विद्यार्थी 1984 ग्रैजुएशन की उपरंत पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो उचेरी सिक्ख्या लैन उपरंत टीचिंग जॉब के आया। 2012 तो लैके 2022 तक बतौर एसोसीएट प्रोफेसर महिंद्रा कॉलेज पटियाला सेवा करन दा मौका मिलिया। 2022 प्रिंसीपल बन के सरकारी कॉलेज मलेरकोटला विखे अज बतौर प्रिंसीपल काम कर रहा। अज महिंद्रा कॉलेज की जिहड़ी एक बहुत वड्डी जथेबंदी है ओल्ड स्टूडेंट एसोसीएशन उहदे सद्दे ते सानू कॉलेज आउण दा मौका मिलिया। मैं ओएसए की समुची जिहड़ी लीडरशिप आ उहदा धन्नवादी हाँ कि उन्होंने जरिए सानू अज साडे जिहड़े वर्तमान विद्यार्थी ने उन्होंने नाल अपने विचार सांझे करन दा मौका मिलेगा, अपने तजर्बे सांझे करन दा मौका मिलेगा। मैं यही कह सकदा कि अज जो भी कुछ मैं हाँ मैं इस महिंद्रा कॉलेज की बदौलत, क्योंकि जदों पिंडां दे विचों उठ के असीं इत्थे आए सी तां कदे चित चेता भी नहीं सी, पर इस महिंद्रा ने इस तरह सानू तराशिया कि अज असीं गौरव नाल माण नाल सिर उच्चा करके कह सकदे हां। उवें जिवें महिंद्रा कॉलेज दे होर हज़ारां विद्यार्थी साडे समाज दे वक्खरे वक्खरे खेत्रां च काम करदे सानू मिलदे ने, उह मौका ते उह माण साडे बहुत सत्कारत अध्यापकां दी बदौलत सानू मिलिया। ते महिंद्रा जिंदाबाद, महिंद्रा चढ़दी कला च रहे। प्रोग्राम है जिहदा ना ही मिलनी है उसकी शुरुआत करना। तो सब तो पहले मैं ज्योग्राफी विभाग के मुखी ओएसए भाग सिंह सर, फाइनेंस सैक्रटरी ओएसए, इन्हों धन्यवाद कर दें क्योंकि जो मैं डॉक्टर मेरा नाम बलविंदर सिंह बड़ैच, मैं इस वक्त सरकारी कॉलेज लड़कियां मलेरकोटला च बतौर प्रिंसिपल काम कर रहा। तो पहला मैं सरकारी रूप दमन कॉलेज नाभा, सरकारी कॉलेज रोशनवाला, इन थावां ते एज ए प्रिंसिपल काम किया। तो 1993 तो लैके मैं टीचिंग लाइन के विच मैं गवर्नमेंट कॉलेज तरन तारण, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला, तो लंबा समा गवर्नमेंट रूप दमन कॉलेज नाभा टीच। अज इतने गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाले ओल्ड स्टूडेंट एसोसीएशन वालों कोई फंक्शन की दसोंगे की प्रोग्राम? अज सरकारी महिंद्रा कॉलेज पटियाला दे विच जिहड़े पुराने स्टूडेंट सी ओल्ड स्टूडेंट एसोसीएशन बनी हुई है, उन्होंने सानू, क्योंकि मैं इस कॉलेज का पुराना विद्यार्थी हाँ, तो पुराने विद्यार्थियों की नवे विद्यार्थी जिहड़े मौके पर अज पढ़ रहे हैं इन्हां नाल साडा मिलनी हैगी है। असी मैं 1983 तो लैके 1987 तक इतने पढ़िया, असी अपने समय के जो तजर्बे से एज ए स्टूडेंट जो इस कॉलेज तो सीखिया, तो अपनी लाइफ चो बाद प्रोफेसर बनने तो बाद जो असी काम किया वह तजर्बे असी अपने नवे बच्चों जिहड़े इस कॉलेज पढ़ रहे हैं उन्होंने सांझे करने वास्ते अज असी इतने आए। तुसी 1987 तक पढ़े हो? हाँ जी। मैं उदों किवें दी टेक्नीक सी, हुण मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट का जमाना, उदों इह कुछ साधन नहीं सीगे, कलम ते कागज हुंदा सी, थोड़ा दसो किवें बदलाव आ गया? उदों ते हुण दा बहुत बदलाव है। जदों मैं इत्थे आया सी, वेखो 1983 च मैं आया सी, साइंस दा मैं स्टूडेंट सी, प्री इंजीनियरिंग दे लई सी, ते उदों पढ़ाई दा बहुत एकेडमिकली बड़ा साउंड माहौल सी, कोई मोबाइल नहीं सी हुंदा, ते खेडण दे जोर सी। इस कॉलेज अथलैटिक दा जां स्पोर्ट्स विंग हुंदा सी, पढ़न वाले बच्चों वास्ते स्पोर्ट्स विंग हुंदा सी, कंपीटेटिव एग्जाम वास्ते इस कॉलेज दे विच करियर विंग हुंदा सी, बच्चों नूं कंपीटिशन वास्ते भी तैयार करते सी। ते स्पोर्ट्स दे विच नवजोत सिंह सिद्धू इस कॉलेज दा साडे उह पढ़दा हुंदा सी, बीए फाइनल दे विच रतिंदर सोढी सी, ते होर बड़े इंटरनेशनल लैवल दे प्लेयर भी पैदा कीते इस कॉलेज ने। तो अकैडमिक दे विच जे गल करिए ते कंपीटेटिव एग्जाम्स दे विच, क्योंकि इत्थे कैरियर विंग पंजाब दे एक दो कॉलेजां विच ही सी, ते अज असीं जदों असीं जाणे आ विचरने आ, मैनूं लगदा वी कोई खेतर ऐसा नहीं हैगा जिथे इस कॉलेज का पढ़िया होया विद्यार्थी नहीं बैठा। तो पहला माहौल होर सी, सादगी सी, बच्चों को मोबाइल या ये चीज़ा नहीं सी होंदियां, विखावेबाजी नहीं सी होंदी, सेहत बनाउण ते जोर सी, पढ़ाई ते जोर सी,
ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ 1980 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਰਲਡ 'ਚ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗੇ, ਬੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਗੋ ਹੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1875 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕ, ਉਸਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 4 ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.86 ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵਾਸ ਫਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਿੰਦਰਪਾਲ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਉਹ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰਮੈਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1984 ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ NCC, NSS, ਸਪੋਰਟਸ, ਹੋਰ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ PGT ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2.5 ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਦਾਮਪੁਰ ਲੈਕਚਰਰ ਰਿਹਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਢੁੱਡੀ ਕੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਡੇਰਾ ਵਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ।
मतलब 21 साल की जॉब मैं महिंद्रा कॉलेज की। इतों मार्च 2022 दे विच मैं प्रिंसीपल दे तौर पर सरकारी कॉलेज मलेरकोटला ज्वाइन किया। उस तो उपरंत मैं अक्तूबर 2022 दे विच गवर्नमेंट कॉलेज रोशनवाला अजकल काम कर रहा। मेरी रिटायरमेंट अगले महीने है 30 सितंबर 2023 नूं। मैं ओएसए दे नाल पहला तो जुड़ा है क्योंकि ओएसए ने सानू एक बहुत वड्डे प्लेटफॉर्म ते यह मेरे ख्याल पहली बारी है, पहली मिलनी है यह नवे विद्यार्थियों दे नाल पुराने विद्यार्थियों की अपने जिहड़े विचार सांझे करन दा सानू मौका दिता है। ये असीं धन्नवादी हाँ ओएसए दे, बहुत बहुत धन्नवाद। कोई रिमनी एसोसीएशन जी सी वो तीन बारी पहला कोशिश की गई सी पर चल नहीं सकी। एक दो फंक्शन होंगे सी, फंक्शन नहीं होंगे सी, मीटिंग ही होंगी सी, कभी चाह की मीटिंग रखनी, कभी खाने की मीटिंग रखनी, तो वो फल हो जाती। डॉक्टर भगत सिंह वेले की हुई, प्रोफेसर गुरसेज सिंह होना वेले की हुई, उस तो पहला भी उस उदों भी हुई और जन सकती है। प्रोफेसर निर्मल सिंह सोधी भी शक्ति रहे पर चल नहीं सकी। मैं दोबारा फिर याद आ जाती है गल डॉक्टर भगत सिंह होना की, जेडे कि बहुत ही योग टीचर है, दो बारी वाइस चांसलर भी है, डीपीए भी है। अगर साल तुम करता लगे हो अजे कहते एक अद्धी मीटिंग होती है, बाद कंटिन्यू है, पहली कोशिश करा कोशिश आरंभी कोई 1982 किताब कमेटी बनाई प्रोफेसर जगविंदर सिंह होंगे जी प्रिंसीपल ने डॉक्टर, उन्होंने पुराने स्टूडेंट भी इतने पंजाबी विद्यार्थी रहे थे, तो किताब कमेटी बनाई असी सारा बाहर कोई किताब किया, लोकल भी डिस्कस किया पुराने प्रिंसीपल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया रूल्स रेगुलेशन बारे। सो पहली जी मीटिंग हुई थी 1985 वो बहुत अच्छे अच्छे इतने खड़े हुए विद्यार्थी जिस तरह के ब्रिगेडियर सुखबीर सिंह होनी सी मुख सी, इस तरह होर मतलब के पोलिटिकल लेवल पर एजुकेशनिस्ट या प्रिंसीपल तकरीबन 200 के नेड़े बहुत मीटिंग हुई सी। सो उन्होंने इस संस्था को प्रूव किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन किया, फिर साथ मेंबरशिप वगैरह हुई। इस हॉल के 1986 से अभी मीट की बाद गवर्नर बने सी, इस डायरेक्टरी भी इशू कराई, तो ओल्ड स्टूडेंट्स ने जरा 100 ईयर्स पूरे होने के मतलब के स्टैंडर्ड भी करवाई वो करना चाहते कराई सी। सो इस तरह ही होर बाद फंक्शन बड़े होते हुए जी छोटे भी व्डे भी, लेकिन पॉवर्टी जो आ गया उदों यह स्लो डाउन हो गया, तो उस तो बाद दोबारा एक्टिव करने की कोशिश करनी पड़ी। बाकी